और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। देखिए आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार आ ही गई। लेकिन आप देखिए जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं। वो तो ऑप्शन है ही, लेकिन एक बार जजमेंट आ जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय हम सब लोगों के साथ लेंगे उनके नेतृत्व में, वो हम लोग करें। नमस्कार, मैं प्रकाश से, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसके बाद से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के लोग एक और जहां गदगद हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना बिहार के लोगों के हक में था, हित में था, आज न कल तो कराना ही होगा। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। तो क्या देश है, एक बार पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था। और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सब के लिए था, रखेंगे। लेकिन देखिए आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार, बिना इसके ना राज्य आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना गरीबी, ना पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और इसको देखते हुए हम सब लोग जो हैं कई बार मांगे की, संघर्ष किया लोगों ने, ये तो बातें आ ही गई। लेकिन आप देखिए जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। और हम लोग जब अपने ही बलबूते, जब गरीबी, पिछड़ापन और समाज के अंतिम पैदान को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो ये बीजेपी के लोग खुशियाँ मनाते हैं, ये सब चाहते ही नहीं हैं कि ये हो। अगर रियलिटी क्या है वो सामने ना आ जाता भाई, कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं, कौन लोग कचरा धोने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से चिन्हित करके सरकार जो है लाभ पहुंचाती लोगों को। अब कोई एक जाति की बात नहीं थी, सबकी बात। तो अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम लोग देखेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हाईकोर्ट के बाद अब आप आगे भी जा सकते हैं? अगर एक बार जजमेंट देख लिया जाए फिर स्कोप क्या है, वो तो ऑप्शन है ही, लेकिन एक बार जजमेंट आ जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय हम सब लोगों के साथ लेंगे उनके नेतृत्व में, वो हम लोग करें। आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे? लेकिन एक बात तो तय है, ये होना तो है ही, चाहे हम आगे हो या हर राज्य में हो, होना ज़रूरी है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इसकी लड़ाई लड़े हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि ये काम हो। आगे भी आप लड़ेंगे इसके लिए? हम लोग एकदम काम करेंगे ना भाई, काहे नहीं आवाज़ उठाएंगे। जो काम चल रहा है, सरकार का लगभग काम पूरा ही हो गया था, अब कोर्ट का निर्णय अगर स्टे का आया है तो एक बार कोर्ट का आदेश।
तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। जातीय जनगणना पर जहां पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज न कल तो जातीय जनगणना हो कर ही रहेगा, होगा ही, लेकिन क्यों रोक लगाया गया, ये तो बिहार के लोगों के हित में था। बीजेपी अगर चाहती है कि वो अपने हिसाब से कराए तो क्यों नहीं केंद्र सरकार करा रही। तेजस्वी यादव गुस्से में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।